നമസ്തെ ിയ സഹയാത്രികരെ ഹിന്ദി സ്റ്റഡി ചാനലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഹിന്ദി ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളാകുന്ന ഓരോ അധ്യാപകരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അവകാശമാണ് അതുപോലെ ഭാഷാപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട പഠനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിനാചരണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു പല ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഹിന്ദി ഭാഷയോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഓരോ ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്കും കഴിയട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയായ ഹിന്ദിയെ ആദരിക്കാനും ഹിന്ദി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കാനും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും കഴിയട്ടെ आग्रह तोड़े प्रार्थनाओे बच्चे ही बनाएंगे भारत को महान आज अव्यय या अविकारी पर चर्चा हो मूल अर्थ के अनुसार अव्यय वे शब्द है जिनमें कोई परिवर्तन ना हो जिन शब्दों में लिंग वाचन तथा काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं अव्यय चार प्रकार के हैं क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक स्थान वाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बतलाए वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है स्थानवाचक क्रियाविशेषण दो प्रकार के होते हैं स्थिति सूचक जैसे यहाँ वहाँ दिशा सूचक इधर उधर आगे कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के समय को सूचित करे, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है जैसे जब अब इन्हीं काल सूचक शब्दों में से कुछ शब्द का दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है जैसे बार बार अभी अभी, अभी आदि कई बार दो भिन्न काल सूचक शब्दों का भी एक साथ प्रयोग किया जाता है जैसे जब तब दिन रात आदि आगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा को प्रकट करें वे परिमाणवाचक क्रियाविशेषण है जैसे थोड़ा बहुत अब रीतिवाचक क्रियाविशेषण जो शब्द क्रिया की रीति को प्रकट करें उदाहरण के लिए ऐसे कैसे रीतिवाचक क्रियाविशेषण कई प्रकार के होते हैं निश्चयार्थक जैसे बेशक, सचमुच अब बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करें जैसे बिना और संबंध बोधक शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं परंतु कभी कभार संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है जैसे वो बिना परिश्रम किए ही पास हो गया बिना मेहनत किए उसका पास होना कठिन है कुछ क्रिया विशेषण भी संबंध बोधक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं आगे पहले आगे समुच्चय बोधक अभी शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्य कहलाते हैं जैसे और समुच्चय बोधक अव्यों के समानाधिकरण तथा व्यधिकरण दो भेद हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्य चार प्रकार के हैं पहला संयोजक वे शब्द जो शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों में मेल प्रकट करें उसे संयोजक कहते हैं जैसे और तथा दूसरा है विकल्पक वे शब्द जो कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताए या वा तीसरा है विरोधक वे शब्द जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयुक्त हो जैसे किंतु परंतु चौथा है परिणामक वे शब्द जो पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त हो जैसे अतः, अतएव इसलिए क्योंकि इस वास्ते आदि आगे व्याधिकरण वे शब्द जिनके प्रयोग से वाक्य में एक या अधिक उपवाक्य जोड़े जाएं इसके कारणवाचक संकेतवाचक आदि भेद हैं कारणवाचक इसलिए कि ताकि आदि संकेतवाचक जो सो यदि तो यद्यपि तथा भी आगे बोधक अव्यय जिन शब्दों से वक्ता या लेखक के मनोवेग अर्थात भय विस्मय शोक क्रोध घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें बोधक अव्यय कहते हैं उदाहरण देखेंगे भाई के रूप में हा, ओह, हाय बापरे आश्चर्य के रूप में हे अरे ओह ओहो आदि शौक के रूप में हाय हा आह आदि धत, हट, ठहर आदि क्रोध के रूप में घृणा के रूप में छी, थू धिकार है आदि कुछ अन्य शब्द जैसे धत धत तेरे की हेलो आदि भी विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं इनके अतिरिक्त कभी कभी वाक्यांश भी विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे बहुत खूब क्या कहना है आदि सूफी शब्द की उत्पत्ति जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूनानी शब्द सोफस से श्री महावीर प्रसाद इसको अरबी शब्द सफ यानी कि पवित्र से निकला मानते हैं मिस्र बंधु कहते हैं कि यह सूफ यानी ऊन से आया है क्योंकि कई सूफी दरवेश ऊन का चौगा पहनते थे रामकुमार वर्मा के मत में सुफा चबूतरे पर बैठने वाले कवियों को सूफी कवि कहते हैं सफ यानी पंक्ति से आया है सूफी ऐसा एक राय भी है